मेरा नाम सुनील जामवाल है और मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ कामा कैफे का। सो ये जो फेस्टिवल हमने जो लगाया है ये 3 स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हैदराबाद है, पंजाबी है और आपका राजस्थानी है। तो हमने तीनों का जो स्टेट का जो मिक्सन है उस तरह का हमने फूड लगाया हुआ है, जो स्ट्रीट फूड है, बाकी बहुत ही मतलब लजीज है, जो आप उसको देख सकते हैं। मैंने पूरा बफे लगाया हुआ है, जैसे राजस्थानी को लेके अगर हम अगर बात करेंगे तो राजस्थान में जैसे लाल मांस है, यहाँ पे लाल मांस हमने दिखाया हुआ, तो लाल मांस के साथ अगर आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं तो काफ़ी सारे चीज़ आइटम की चीज़ नान है, खमीरी रोटी है, लच्छा परांठा है, हरी मिर्च का परांठा है, मतलब बहुत सारे यूनिक हमारे परांठे हैं जो मतलब हमने यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है। तो हैदराबादी से हैदराबादी हिकमी चिकन टिक्का है, नवाबी कबाब्स है, बहुत सारे अच्छे अच्छे मसाले हमने यूज़ किए हुए हैं जो हमने स्पेशल हैदराबाद से मंगाए हैं, तो उसके बाद हमने यहाँ पे उसका वो करा। हमारा जो मेन जो एजेंडा है वो स्पेशली क्या है कि हमने गेस्ट की प्रायोरिटी को समझना है कि हमें किस तरह का फूड हमें गेस्ट को देना है। तो हमने उसी बेसिक से हमने ये 3 रीजन का खाना बनाया हुआ है, जिसमें हैदराबादी फूड फेस्टिवल है, पंजाबी फूड फेस्टिवल है। तो हमारे जो हमारा जो एजेंडा है वो यही रहता है कि पूरे साल का जो कैलेंडर है वो हम बना के रखते हैं, उसी प्रकार से हम उसको प्रोवाइड कराते हैं गेस्ट को कि उसी तरह से हम खाना का प्रोवाइड कराते हैं। मतलब फरवरी में कौन सा फेस्टिवल लगना है, मार्च में कौन सा लगना है, अगस्त में कौन सा लगना है, ये हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। और बाकी हम बीच में गेस्ट की नीड को समझते हैं, उनके साथ मीट करते हैं, उनके साथ समझते हैं कि कैसा खाना आपको चाहिए, आप कैसे फूड को चाहते हैं, उसी तरह से हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो यही हमारा मोटिव है कि अच्छे से अच्छा खाना वो प्रोवाइड कराएं। उसमें अभी पंजाबी फूड की बात करूँगा तो बहुत सारी थाली वगैरह है, सरसों का साग है, मक्की की रोटी है, ठीक है, बहुत सारा स्टीम फूड वगैरह है, लजीजी फूड वगैरह है, चिकन टिक्का है, और डेजर्ट्स में भी है आपका चुकंदर का सेब का हलवा भी है मेरे पास, शाही टुकड़ा है, देर इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स वी आर प्रोवाइडिंग इन द मेन्यू। सो मैं यही चाहता हूँ मैम कि एक बार मेरे पास आइए कामा कैफ़े में, और आई इनवाइट यू टू ऑल द गेस्ट माई क्लाइंट्स, प्लीज़ आप आइए और एक बार खाने का लुत्फ़ उठाइए, मतलब कि जो खाना हम प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे, और अपने सजेशन मेरे साथ शेयर कीजिए कि मेरे को इस तरह का खाना चाहिए, कैसा चाहिए। मतलब ऑप्शन है, ग्लूटेन फ्री फूड है, लैक्टोज फ्री है, समथिंग वेरी मतलब वैरायटी है, क्योंकि आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं खाने को लेकर। तो हमने इसमें अब पंजाबी फूड है तो देसी घी का यूज़ इसमें बहुत सारा यूज़ हो रहा है, हम देसी घी यूज़ कर रहे हैं, सरसों का तेल इसमें बहुत सारा अच्छा यूज़ हो रहा है, ठीक है, मसाले हैं जो हैदराबाद से हैं हम मसाले का यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी यूनिक आइटम है जो आपको देखने को मिलेगी और आपको अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पे आएंगे, तो आपका एक्सपीरियंस जो भी है वो हम आपको शेयर करेंगे। ये पूरा एक महीना फेस्टिवल है, तो ये 22 to 21 के आसपास ऐसा नेक्स्ट मंथ सितंबर तक रहेगा। तो उसके यहाँ पे हम गेस्ट को भी देखते रहेंगे कि किस प्रकार से खाना अगर एक्सटेंड करना है या उसमें और चीज़ें कुछ बढ़ानी है, तो उस हिसाब से हम उसको देखते रहेंगे। तो ये गेस्ट से जो भी है प्रायोरिटी को समझते हुए आपको सारा काम करते हैं।